गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। और आज मैंने पोनी बांधी है, आप देख सकते हो। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, और कपड़े वैसे ही पड़े हैं फोल्ड करने के। यार कपड़े इतने हो जाते हैं, मैं वॉश करती रहती हूँ वॉश करती रहती हूँ, और कपड़े फोल्ड करने के ऐसे रह जाते हैं। तो अब उसके लिए ना वो बास्केट लाई है मैंने, इसी वजह से। वो ये वाली डीमार्ट से उस दिन मैंने आपको दिखाई नहीं थी, लॉन्ड्री वाली। मैं अभी सोच रही हूँ कि जैसे ही मैं कपड़े निकाल के लाती हूँ ना बाहर से, तो इसमें डाल दिया करूँगी। ये आयरन टेबल पूरा भर जाता है कपड़ों से। फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आयरन टेबल के कपड़े निकाल के फिर उसके फोल्ड करती हूँ। बट जब टाइम नहीं मिलता है तो वह वैसे वैसे रहता है, तो अच्छे नहीं दिखते हैं। इसी वजह से मैं उसमें डाल दिया करूँगी अब, और उसके बाद फिर फोल्ड कर लिया करूँगी जब भी टाइम मिलेगा मुझे। अभी ब्रेकफास्ट करना बाकी है, ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और उसके बाद लिपस्टिक आज मैंने अलग से लगाई है, कैसी लग रही है ज़रूर बताना। मतलब मुझे तो अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि मैं वो लगाती हूँ ना हमेशा, वो पिंक वाली दूसरी और एक न्यूड वाली ब्राउन। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी अजीब सी लग रही है मुझे। बट कोई बात नहीं, अभी इतने सारे लिपस्टिक्स है तो वो यूज़ तो करने पड़ेंगे ही। इसी वजह से मैंने सोचा चलो अलग अलग से लगाया करूँगी, जो अच्छी लगी वो बता दिया करो आप। तो चलिए फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। मशीन चला दी है मैंने, कपड़े डाल दिए हैं मशीन में। और मतलब मेरे ही थे जो भी कपड़े थे, तो वो टी शर्ट वगैरह थे जिम के, तो वही डाल दिया है। अभी जिम तो कुछ दिन बंद है, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो वो वॉश कर लेती हूँ। तो वो डाल दिया है, और यहाँ पर है उपमा। उपमा बनाया था ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है अभी तक। टाइम बढ़ा दिया है, और उपमा बनाया था, ब्रेकफास्ट किया नहीं अभी तक, और इतना ही बचा है, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद होते रहेंगे सारे काम। और भूख लगी है जोरों से, भाई प्लेट।
दीदी को दिखो, दीदी को दिखाओ, दीदी को दिखाओ, दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ इधर, दीदी को दिखाओ। आपने फुल कपड़े पहन लिए? क्यों क्यों पहने फुल कपड़े? दीदी ने मच्छर के कपड़े पहने, मच्छर के कपड़े, दीदी ने मच्छर के कपड़े पहने और आपने फुल कपड़े पहने। दीदी दीदी को कपड़े पहने, स्कर्ट, दीदी ने स्कर्ट घातले, दीदी ने स्कर्ट घातले आणि फुल घातला। तू फुल घातले तू गुड बॉय है ना, म्हणून आप गुड बॉय हो ना, इसी वजह से आप फूल पहनते हो। अरे मम्मा बटन लाव छानने दिसत आहे, बटन लावायचं छानने दिसत आहे असं नाही। अरे मम्मा लावून दे, मला लावून देऊ। मी एका हाताने कशी लावू? कौन सा? ये ऑरेंज। ऑरेंज, ऑरेंज ये कौन सा है? ऑरेंज, ऑरेंज। अच्छा ये अद्विक का फेवरेट, जॉयफुल जैस्मिन मामा का, और दीदी का कौन सा फेवरेट है? लेड, लेड पिंक। अद्विक का ऑरेंज, मेरा फेवरेट है ये ट्रॉपिकल गार्डन। अच्छा माही का फेवरेट है ट्रॉपिकल गार्डन, अद्विक का फेवरेट है ऑरेंज, जॉयफुल जैस्मिन। माही आपने ऐसे बाल क्यों बनाए? अरे वो गीले ना, बाद में धो लूंगी। ठीक है, पापा से पूछो चाय पियेगी क्या? किस किस को चाय पीनी है? पापा को पीनी है और आपको? अच्छा आपको भी पीनी है, तो आपको पीनी है क्या? आपको तो पीनी है ही और इसको भी। मम्मा को भी पीने है, मम्मा नहीं बता दी रही। मुझे तो पीनी है ही यार। क्या गाइस 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 कर रही है? गाइस गाइस करो ना, करो ना। चलो मैं भी चाय, मुझे भी चाय पीनी है, मैं चाय बनाती हूँ और चलो आप भी पीने आ जाइए। बताएंगे अभी थोड़ी देर में रेसिपी। रेसिपी मेरे व्यूअर्स को रेसिपी बताने की जरूरत नहीं है, चाय की डेली चाय दिखाती हूँ मैं। वो भी अदरक वाली, और आप लोगों को पता है मैं अदरक वाली चाय पीती हूँ हमेशा। चलो चाय बनाती हूँ। और हाँ यहाँ पर राजमा भी बनने के लिए रख दिया है, तो राजमा की रेसिपी आपको मिलेगी आज। राजमा बनाऊंगी मैं आज, तो राजमा चावल, राजमा चावल रोटी, बट आपको चावल चाहिए तो चावल भी बना दूंगी आपके लिए। चावल बनाओ? अरे वाह, आज पहली बार हस्बैंड ने बोला है चावल बनाने के लिए। मतलब एक्चुअली हम लोग, मैंने आपको बताया है कि चावल हम लोग खाते नहीं है, मतलब ज्यादा खाते नहीं है, लेकिन राजमा के साथ चावल बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसी वजह से आज राजमा और चावल ही खाएंगे हम लोग। तो आज राजमा की रेसिपी आपको मिलेगी। यहाँ पर राजमा भिगोने के लिए रख दिया है मैंने, भीग जाएगा शाम तक, और शाम मतलब शाम तो हो ही गई है अभी। तो चलिए पहले चाय बनाती हूँ। नेल पॉलिश भी चेंज करनी है, नेल पॉलिश काफ़ी दिन हो गए चेंज नहीं की, देखो कैसे हो गई है। और इस पे ही कलर लगा है होली का, और कितने दिनों से चेंज ही नहीं कर पा रही हूँ, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा है यार चेंज करने का। कब से सोच रही हूँ नेल पॉलिश चेंज करूँ, नेल पॉलिश चेंज करूँ, बट टाइम ही नहीं मिल रहा है। अभी रिमूव करती हूँ, चेंज करती हूँ, कौन सा कलर लगा वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए फिर जल्दी से देखो, नेल्स भी थोड़े से ऐसे हो गए टेढ़े मेढ़े, इसे पहले शेप देती हूँ और उसके बाद इसको कलर लगाती हूँ।
तो यहाँ पर बनाने वाली हूँ मैं राजमा। तो राजमा बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कुकर में राजमा को बॉईल कर लेना है। एक्चुअली इसमें आप सिनेमन और क्या बोलते हैं तेज़पत्ता डालोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। बट पता नहीं वो चीज़ें कहाँ दिखी नहीं रही थी मुझे, कहाँ चली गई थी, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेस्ट आई थी राजमा की, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। बट आप इसी तरह से भी बनाओगे तो मतलब जैसे मैं बना रही हूँ तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको जो मैं आगे बताऊँगी आपको कैसे कैसे करना है। तो इस तरह से आपको पानी डाल देना है पहले राजमा में, और उसके बाद आपको विजल लगा लेनी है 4 से 5, मतलब जब तक राजमा गल नहीं हो जाता, मतलब गलने नहीं लगता तब तक आपको विजल लगा लेनी है। और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। अगर आपके पास क्या बोलते हैं तेज़पत्ता और वो है दालचीनी है तो वो भी डाल देनी है आपको, और बस विजल लगा लेनी है। तो 4-5 विसल में ही हो जाएगा, मतलब गल जाएगा वो, अगर अच्छे से पहले गल चुका हो तो। तो यहाँ पर मैं विसल लगा लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर मतलब जब तक मेरा राजमा नहीं पकता है तब तक मैं यहाँ पर ना चावल भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि आज राजमा चावल खाने वाले हैं हम लोग। वैसे रोटी के साथ खाते हैं बट आज राजमा चावल के साथ खाएंगे, क्योंकि ये बोल रहे थे कि चावल बनाओ इसी वजह से। तो यहाँ पर चावल भी बन रहे हैं और मैं साथ साथ ही जब तक वो राजमा मतलब पक रहा है उधर तब तक मैं यहाँ पर मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डाल दिया है, उसके बाद उसमें जीरा डालूँगी, और उसमें मतलब जीरा थोड़ा सा हो जाने के बाद उसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। और प्याज को मैंने 2 प्याज लिए है यहाँ पर, 2 प्याज को लंबा लंबा काट लिया है, और उसके बाद वही प्याज मैं उसमें ऐड करूँगी और अच्छे से होने दूँगी। थोड़ा सा प्याज को होने देना है आपको। उसके बाद उसी तरह से मैं 3 टोमेटो लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, और 3 टोमेटो मैंने चॉप कर लिए थे ऐसे ही लंबे लंबे, भी उस प्याज में ऐड कर दूंगी। और थोड़ा सा हमारा प्याज भी पक चुका था, उसके बाद मैंने यहाँ पर टोमेटो भी ऐड कर दिया और अच्छे से चला लूँगी। और इसमें ना थोड़ा सा नमक ऐड करना है ताकि जो आपके टोमेटो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए, और ये सॉफ्ट हो जाने के बाद मतलब नमक ऐड करने के बाद तो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद आपको उस मसाले को पीस लेना है अच्छे से, और उसमें ना थोड़ा सा आपको ये डालनी है क्या बोलते हैं हरी मिर्च डालनी है। हरी मिर्च डालने के बाद अच्छे से उसे चला लेना है ताकि ये सारा मसाला जो है वो अच्छे से भून जाए और हमारा टोमेटो भी सॉफ्ट हो जाए। टोमेटो सॉफ्ट हो जाने के बाद हमें इसे पीस लेना है मिक्सी में। थोड़ी देर में यहाँ पर ढक के रख दूँगी, उसके बाद मैं उसमें मतलब उसे निकाल के जब ये मसाला सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद इसे अच्छे से पीस लूँगी मिक्सी में। और यहाँ पर मैंने लिया है अदरक और लहसुन, अदरक लहसुन में ये मसाला डाल देंगे और उसके बाद अच्छे से इसे पीस लेंगे, इसको अच्छे से प्यूरी बना लेंगे इसकी, और उसके बाद वो प्यूरी हमें मसाले के लिए चाहिए होगी। यहाँ पर प्यूरी बन के रेडी है और मैंने तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में, और ये प्यूरी मैं इसमें ऐड कर दूँगी अच्छे से, और अच्छे से चला लूँगी। या ये सारी प्यूरी ऐड करने के बाद अच्छे से चला लूँगी, और ये ना प्यूरी जब तक तेल नहीं छोड़ने लगेगी, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर तेल जब तक नहीं छोड़ने लगेगी तब तक मैं इसे अच्छे से चला लूँगी, मतलब ये आधी क्वांटिटी में हो जाए इतने देर तक हमें चला लेना है इसे, और अच्छे से तेल छोड़ने लगेगी आपकी प्यूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मसाला अच्छे से भून चुका है, अच्छे से तेल छोड़ने लगा है। तब तक भूनना है आपको जब तक ये मसाला आधा ना हो जाए, मतलब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा था और बिल्कुल आधा हो गया है। उसके बाद हमें उसमें ऐड करना है 2 चम्मच मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर, और आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। किसी को ज़्यादा तीखा पसंद होता है, किसी को मीडियम पसंद होता है, किसी को बिल्कुल कम तीखा पसंद होता है, तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लाल मिर्च पाउडर ऐड करिएगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा उसमें हरी मिर्च भी ऐड की थी तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ध्यान से ही लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देनी है, और इसे अच्छे से चला लेना है। और फिर ना आपको गर्म मसाला ऐड करना है उसमें, और गर्म मसाला ऐड हो जाने के बाद उसमें आपको आपका राजमा जो है जो मैंने सीटी लगा ली थी राजमा की वो उसमें ऐड कर देना है, और थोड़ी देर के लिए ग्रेवी जो है वो हमें मतलब ग्रेवी में इसे पकने देना है तो अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा उसमें। और यहाँ पर लाइट चली गई थी तो मैं आगे का शूट नहीं कर पाई। सो गाइस, खाना वगैरह हो चुका है हमारा, और मैं ना शूट करते करते ही जब खाना बना रही थी उस टाइम शूट करते करते ही लाइट चली गई, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो मैंने हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और उसके बाद अभी सारा कुछ समेटने के बाद लाइट आई है, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात करती हूँ और आपको बता देती हूँ क्या हुआ था। जैसे ही राजमा मैंने मतलब राजमा बन ही चुका था ऑलमोस्ट, मतलब बस राजमा डालना था, थोड़ा सा गर्म मसाला डालना था और बस हो गया था। बट लाइट चली गई तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, ऐसा सोचा भी नहीं था कि होगा, बट लाइट चली गई तो फिर उसके बाद भूख भी इतनी लगी थी, हम लोगों ने खाना भी खा लिया, सारा समेट भी लिया,
अब लाइट आई है और हाँ बारिश भी हुई है आज थोड़ी सी, तो बारिश की पता नहीं बारिश की वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बट बारिश हुई है कोरोना की वजह, कोरोना का डर लग रहा है अब। हाँ गर्मी में नहीं होता ना कोरोना, वो गर्मी में कोरोना ही होता है, लेकिन ठंडी अब मौसम बहुत ठंडा हो गया है तो कोरोना का डर लग रहा है। तो चलिए फिर, बहुत लेट हो गया है, 11 बज गया है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।